इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या ये दूध जो आपके घरों तक पहुंच रहा है वो सेहत के लिए सही है या नहीं? आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। खासकर जो डेयरी संचालक हैं उनका मानना ये रहता है कि जो ये दूध होता है पैकेट वाला दूध, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, दूध का अगर प्रॉपर पास्चराइजेशन किया जाए और उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा MRL लेवल से कम रखी जाए तो वास्तव में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, परंतु उनकी MRL लेवल की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो हमारे लिए अमृत से बदलकर विष के समान हो जाते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ऐसे में हमें इस बात को बचना होगा कि हम ऐसे दुग्ध उत्पाद का सेवन न करें जो कि लंबे समय के लिए प्रिजर्वेटिव लंबे समय तक प्रिजर्व हो सकते हों। इसका मतलब उससे प्रिजर्वेटिव की मात्रा बहुत अधिक होती है। सामान्यतः जो पाश्चराइज मिल्क होता है उसकी लाइफ भी 24 घंटे होती है। अगर वो 24 घंटे से अधिक समय तक प्रिजर्व रखा जा सकता है तो अर्थात उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा MRL लेवल से अधिक है, जो हमारे लिए हानिकारक है। देखिए, अगर लोकल कोई दूध लेके आता है तो ये तो आप मानिए कि अगर कोई लोकल दूध लेके आया और 2 से 3 घंटे बाद अब दूध ग्वाला निकालता है और आप तक पहुंचा दिया, तो उसमें मिलावट होने के चांसेस कम ही रहते हैं, क्योंकि बहुत अगर वो कोई मिलावट करता है, पानी डाल दे एडल्ट्रेशन में, अगर सिर्फ पानी डालता है तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। दुष्प्रभाव तब आता है जैसे उसने यूरिया डाला, डिटर्जेंट डाला, बोरिक एसिड डाला। उसकी सेल्फ लाइफ को, दूध की सेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए जब वो रसायन का प्रयोग करना शुरू करता है तब समस्या आती है। इस वक्त हम सिंगरौली जिले के डेयरी सांची डेयरी प्लांट में मौजूद हैं। ये सिंगरौली जिले का सांची डेयरी प्लांट है और यहाँ पर जो कच्चा दूध होता है उस दूध का पास्टराइजेशन कर पैकेट में तैयार किया जाता है और उसे बाज़ारों तक भेजा जाता है। बाज़ारों से आसानी से आम लोग उसको खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। वह दूध सेहत के लिए आपके कितना लाभकारी है या नुकसानदायक है, इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कि दूध का पास्टराइजेशन जो होता है वो किस तरह से किया जाता है, किस तरह पैकेट में दूध तैयार किया जाता है, इसके बाद बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है, इन सारी प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं सांची डेयरी प्लांट के प्रबंधक, इनसे हम बात करते हैं और सारी प्रक्रियाओं को आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। सर, ये जो दूध होता है किस तरह से ये पैकेट में तैयार होता है, इसके बीच की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, इसको आप विस्तार से बताइएगा। हम लोग गांव से किसानों से दूध कलेक्ट करते हैं, इस पहले टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के पश्चात जो दूध अच्छा होता है उसको कलेक्ट करके हम BMC यूनिट चितरंगी भेजते हैं। चितरंगी में हम उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने से जर्म्स और बैक्टीरिया ये शिथिल हो जाते हैं। फिर हम मिल्क टैंकर से सांची डेयरी प्लांट में लाते हैं। यहाँ आने के बाद उसको माइक्रो फिल्टर करेंगे, माइक्रो फिल्टर के बाद पास्टराइजेशन करेंगे। पास्टराइजेशन में जितने भी जर्म्स और उसके बैक्टीरिया हैं सब अलग हो जाते हैं। और बल्कि देखिए सर, जो चितरंगी है वो यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर पर स्थित है और जो सिंगरौली जिला है वो चारों ओर घिरा हुआ है। यहाँ से भी आपके अदर जगह से भी दूध आता होगा, तो वहाँ तक पहुँचने में का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 से 6 घंटे तक चितरंगी पहुँचने में लगता होगा या यहाँ तक, तो इस बीच में क्या जो कच्चा दूध होता है वो नुकसान नहीं होता है? ये कच्चे दूध को हम वहाँ चिल्ड कर देते हैं, चिल्ड 2 डिग्री पे करते हैं, तो 2 डिग्री पे चिल्ड करने के बाद उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होता। और फिर विद इन 3 आवर्स हम मिल्क प्लांट में मंगा लेते हैं और मिल्क प्लांट में आने के बाद उसको पास्टराइज करने से उसके बैक्टीरिया और जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर माइक्रो फिल्टर कर हम उसके मिल्क टैंक में डाल लेते हैं, इससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। दूध में कहीं ना कहीं केमिकल मिलाया जाता है जिससे उसकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, नहीं ऐसा भी होता है क्या? दूध में कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है, सिर्फ ठंडा करने से उसका लाइफ बढ़ जाता है और पास्टराइज करने से 24 घंटे लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग केवल ठंडा करके दूध यहाँ प्लांट में लाते हैं और यहाँ पास्टराइज करके, चूँकि हाथ से उसको टच नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया जर्म्स उसमें जाएगा नहीं, इसलिए उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, वो जो फॉरेन पार्टिकल्स, गोबर के टुकड़े वगैरह किसान लोग जब दूध लाते हैं उसको माइक्रो फिल्टर करके हम उसको अलग कर देते हैं।